दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि कुत्ते और बिल्ली इंसान के सबसे अच्छे दोस्त हैं। ये वफादार हैं और निस्वार्थ एक दूसरे से प्रेम करते हैं। हमने अनगिनत बार देखा है कि इन जानवरों ने अपने जीवन को जोखिम में डालकर कई बार अपने मालिक के जीवन को बचाया है। दोस्तों, आज मैं आपको 5 ऐसे इंसान और जानवरों की दोस्ती के बारे में बताने वाला हूं, जिनके बारे में सुनकर आप जंगली शिकारियों की क्रूरता के डरावनी कहानियों को भूल जाएंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमारे चैनल अननोन फैक्ट्स हिंदी को सब्सक्राइब करें और घंटे को भी दबा दें। जाओ एंड डिंडिन। दोस्तों, आपको आश्चर्य होगा जब आपको पता चलेगा कि एक पेंगुइन और एक आदमी दोस्त भी बन सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये एक पेंगुइन और मछुआरे की बहुत खूबसूरत कहानी है कि आखिर ये दोनों कैसे दोस्त बन गए। 4 साल पहले रियो डी जेनेरियो के एक तट पर 2 चट्टानों के बीच तट के पानी में मौजूद पेट्रोलियम ऑयल में फंसकर एक पेंगुइन भूखा मर रहा था और एक मछुआरे ने उसकी मदद की और उसे बचा लिया। फिर उस इंसिडेंट के बाद मछुआरे ने 11 महीने तक एक पेंगुइन की देखभाल की और मछुआरे ने पेंगुइन को दूसरे द्वीप में भेज दिया ताकि वो अपने दूसरे पेंगुइन भाई बंधुओं के साथ रह सके। दोस्तों, जाओ ने उस पेंगुइन को एक प्यारा सा नाम भी दिया था जो कि डिंडिन था और अब ये पेंगुइन अर्जेंटीना और चिल्स के पैटागोनिया तटों पर रहता है। पर हर साल पेंगुइन अपने इंसानी दोस्त जाओ से मिलने के लिए रियो डी जेनेरियो के तट पर वापस आता है। पेंगुइन अपने इंसानी दोस्त जाओ से मिलने हर साल लगभग 5000 मील की दूरी तय करके आता है, जो कि इन दोनों की दोस्ती का गहरा प्रतीक है। दोस्तों, अगर आपको जाओ और डिंडिन की स्टोरी अच्छी लगी तो वीडियो को अभी लाइक कर दो। चीटो एंड पोचो। दोस्तों, अब मैं आपको एक मगरमच्छ की दोस्ती के बारे में बताऊंगा जो कि एक मछुआरे चीटो का दोस्त बन जाता है। दोस्तों, चीटो को लगभग 20 साल पहले कोस्टा रिका में पेरिसमीना नदी के किनारे 5 मीटर लंबा और 450 किलोग्राम का मगरमच्छ बहुत घायल रूप में मिला और अगर कुछ और समय तक मगरमच्छ का इलाज ना किया जाता तो शायद वो वहीं मर जाता। पर चीटो से उसे मरते हुए नहीं देखा गया और उसने मगरमच्छ को बचाया और उसकी देखभाल अपने घर में की और मगरमच्छ को फिर से स्वस्थ करके उसे उसी नदी में छोड़ दिया। लेकिन अगले ही दिन पोचो मगरमच्छ ने चीटो का पीछा किया और उसके घर आ गया। चीटो के पास इतने बड़े जानवर को घर में रखने का लाइसेंस नहीं था तो उसने पहले मंत्रियों और उच्च अधिकारियों से अनुमति मिलने के बाद लाइसेंस बनवाया। फिर चीटो ने 2 दशकों तक पोचो मगरमच्छ की देखभाल की। दोस्तों, चीटो पानी में मगरमच्छ के साथ कई घंटे बिताता है और उसके साथ खेलता है, जो कि इन दोनों की दोस्ती को दर्शाता है, क्योंकि आप सभी को पता है कि मगरमच्छ कितना क्रूर जानवर है। लेकिन कुछ दिनों के बाद चीटो को एक जू में नौकरी मिल गई, जिसमें वो अपने दोस्त पोचो के साथ लोगों को स्टंट दिखाता था और जू में आने वाले पर्यटकों को एंटरटेन करता था। चीटो ने भी ये काम करके बहुत सारे पैसे कमाए, पर दोस्तों आखिर में उस मगरमच्छ की 2011 में मौत हो गई, जो कि बहुत दुख की बात है। जिम एंड जिम्बो। जानवरों और इंसानों की दोस्ती के अटूट बंधन के बीच एक और कहानी है, जो कि एक आदमी और एक बियर यानी भालू के दोस्ती की है। ये दोस्ती 20 साल से अधिक समय से चलती आ रही है। दोस्तों, जिम एक अनाथ जंगली भालू 8 फीट और 700 किलो के विशालकाय भालू के साथ रहते हैं। दोस्तों, कई साल पहले जिम ने जंगलों में घायल अवस्था में जिम्बो को देखा, जो कि जंगल में जीवित रहने में असमर्थ था। उन्होंने और उनकी वाइफ स्यूजी ने उसकी देखभाल की और जिम्बो ने अपनी ताकत हासिल करने के बाद जंगल में जाने से इनकार कर दिया और अपने नए परिवार के साथ रहने लगा। अब जिम और स्यूजी एक बियर रिहैब सेंटर चला रहे हैं, जहां अब तक 11 और भालू आ गए हैं और वो अपनी इच्छा के अनुसार कहीं भी जाना चाहते हैं या फिर जंगल में जाना चाहते हैं, तो उन्हें लौटने की पूरी आज़ादी है। दोस्तों, ये भालू जिम्बो इतना ज्यादा फ्रेंडली है कि ये किसी भी इंसान को देख के उस पे हमला नहीं करता और ये देख के हाल ही में रशियन मॉडल ने जिम्बो के साथ फोटोशूट भी करवाया, जिसकी पिक्चर्स इंटरनेट पे वायरल हो गई और तब लोगों को जिम और जिम्बो की दोस्ती के बारे में पता चला। और लाजमी एंड लॉयन। और लाजमी सी व्यू प्रीडेटर पार्क में एक एनिमल साइंटिस्ट है और उसने खुद को शेरों की रानी के रूप में बनाया हुआ है। दोस्तों, इस महिला का कहना है कि हमें जानवरों का विश्वास और सम्मान हासिल करना होगा और एक बार ऐसा करने के बाद आप जानवरों के समूह के सदस्य बन जाओगे। और लाजमी कई सालों से इन शेरों के साथ रहती आ रही है और अब दोस्ती का ये बंधन इतना मजबूत हो गया है कि जब लाजमी इन शेरों को कोई निर्देश देती है तो वो उसके आदेश का पालन करते हैं। दोस्तों, आप इन फोटोज में ये देख सकते हो कि कैसे उसने अपने दूसरे पालतू कुत्तों के साथ शेरों को एकत्रित किया हुआ है। और लाजमी और इन शेर की ये कहानी हमें बताती है कि अगर हम जानवरों के बिहेवियर को समझने की कोशिश करते हैं और उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाते, तो वो हमारे अच्छे दोस्त भी बन सकते हैं, फिर चाहे वो कितना ही खतरनाक जानवर क्यों ना हो। लेकिन आप हमें कमेंट में बताएं कि आप इस बात से एग्री करते हो या फिर नहीं। सेलिंडा एंड नेमाल। दोस्तों, एक प्यारे हाथी का बच्चा जिसका नाम नेमाल है, उसने अपने माता पिता को बचपन में ही खो दिया था
और एक बार वो एक जाल में गिर गया और उस हादसे में उसने अपने एक पैर को खो दिया। अब इस हाथी को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को काटने के लिए कुछ मदद की आवश्यकता थी और सौभाग्य से रिजर्व की देखरेख करने के लिए सेलिंडर ने उसकी देखभाल की और उसके लिए एक प्रोस्थेटिक लेग भी तैयार करवाया जिससे उसको चलने में दिक्कत कम हो। और ऐसा करके सेलिंडर ने नमाल का दिल जीत लिया और बाद में दोनों एक दूसरे के सबसे अच्छे दोस्त बन गए। दोस्तों अब आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपको इनमें से किसकी दोस्ती सबसे अच्छी लगी। और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके घंटी दबा दें और हमारी वीडियोस को व्हाट्सएप पे शेयर करके हमें सपोर्ट करें ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस हम आपके लिए लाते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और धांसू वीडियो के साथ। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।